मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से ही बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ, बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडियाँ अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम ये न भूले कि पंजाब के साथ क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को, जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को, जो जम्मू कश्मीर में हुआ निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा, ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकत है हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है, और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है,
और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना है जी। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया FDI नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खींच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।